हेलो पिला माने वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल केम विजुअल। पिला माने एसएसबी लेक्चरर एग्जाम 2023 पई केमिस्ट्री सब्जेक्ट पई जो भी पिला माने एग्जाम दोतलो तांको पई हम गुडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो गुडे सीरीज स्टार्ट करथले जोटि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करथले। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2016-18 चलो ये वीडियो रे हमें कंप्लीट डिस्कशन करिबा केमिकल बॉन्डिंग रो 2016 नु लेके 2023 रे जहां भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आछि। आ सबटु फर्स्ट क्वेश्चन लेके आछि बिला माने तमन को पई जोटा की तमन को एसएसबी लेक्चरर एग्जाम 2023 रो क्वेश्चन टा आ 2023 रो फर्स्ट क्वेश्चन थिला केमिकल बॉन्डिंग रो बिला माने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो माने 11 12 रे भी मध्य पढिचो ही सब जिंस माने अटेंड करि परबो। ए क्वेश्चन टा पचार छि अमंग SF4 BF4 XCF4 एंड ICL4 नेगेटिव द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग टू लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। पिला माने एटी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कोन तमन कर फर्स्ट दिछि टू लोन पेयर सेकंड दिछि पिला माने सेंट्रल एटम। ई पॉइंट गुडा गुटी ध्यान रे पडिबो जदि से खाली टू लोन पेयर पचारि थांदा ताले पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर रे केतरा लोन पेयर अछि ता बेसिस रे देखि थांदो बट से सेंट्रल एटम बेसिस रे पचारि छि। तो जेतब तमे ई कंपाउंड गुडा कर स्ट्रक्चर बाहर करबा को जेबो SF4 रो स्ट्रक्चर तमन को केमिति देखिबा को मिलिबो पिला माने गुडा ट्रिक बतो छि से ट्रिक अनुसार तमन स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करि परिबो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कैलकुलेट करि परिबो। पिला माने एटी जो सेंट्रल एटम अछि से सेंट्रल एटम रो वैलेंस शेल रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि देखियो सल्फर टा ग्रुप 16 रो वैलेंस शेल रे 6 टा इलेक्ट्रॉन अछि माइनस करबो पिला माने फ्लोरीन फ्लोरीन टा होछि मोनोवेलेंट एटम चारिटा फ्लोरीन अछि चारिटा फ्लोरीन गुटे गुटे इलेक्ट्रॉन नै जिवे कोन पई ना मोनोवेलेंट आ इलेक्ट्रॉन केतरा बंचि जिवो पिला माने 2 टा इलेक्ट्रॉन बंचि जिवो। ए जो 4:1 लिखिले पिला माने या माने होछि 4 बॉन्ड पेयर आ जो 2 टा इलेक्ट्रॉन बंचि गेला पिला माने एटा गुटे लोन पेयर रे कन्वर्ट हे जिवो दैट मींस 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर रो केस आसीबो एटा स्टेरिक नंबर पिला माने केते आसीबो 5 स्टेरिक नंबर 5 रे पिला माने 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आसीले तो मन करो ज्योमेट्री डा से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ शेप टा आसे पिला माने सीसो ए जिंस गुडा को मन रखियो। तो पिला माने तमन को डायरेक्ट पचार छे 2 लोन पेयर रहू छी सेंट्रल एटम रे पिला माने गुटे लोन पेयर रहू छी 2टा इलेक्ट्रॉन गुटे लोन पेयर रे कन्वर्ट हे जो। तो SF4 तो हबो ने पिला माने नेक्स्ट पिला माने BF4 माइनस को जदि देखिबो BF4 माइनस को जदि देखिबो अगेन तो माने बहुत इजीली करि परबो पिला माने बोरोन सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 13 रो वैलेंस शेल रे पिला माने 3टा इलेक्ट्रॉन थो जदि किछ चार्ज रहला ओ नेगेटिव चार्ज रहला ताले वैलेंस शेल रे से इलेक्ट्रॉन टा को ऐड कर देबो तो टोटल वैलेंस शेल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन छी पिला माने 4टा फ्लोरीन केतडा अछि 4टा 4टा मोनोवेलेंट फ्लोरीन एटम अछन्ते पिला माने तो 4 माइनस 4 कर देले 0 ई 0 टा इंडिकेट करछि लोन पेयर को आ ये इंडिकेट करछि कोन 4 बॉन्ड पेयर को ए कंपाउंड रे पिला माने 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर आसुछि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आसीबो नॉर्मल तोर तो ए ऑप्शन टा भी तमरो कैंसिल हेगला पिला माने त माने 4 ऑप्शन तो आसीबो नि आ 3 ऑप्शन भी आसीबो नि बाकी रहला 2 आ 0 2 आ 0 को देखिया पिला माने XCF4 को जदि देखिया पिला माने XCF4 को त माने डायरेक्टली कैलकुलेट कर परबो एटा होछि सेंट्रल एटम पिला माने CF4 रे ग्रुप नंबर 18 रो ग्रुप नंबर 18 माने वैलेंस शेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन थिवो माइनस पिला माने 4टा मोनोवेलेंट एटम अछि फ्लोरीन 4टा फ्लोरीन मन पार ही गला आ केते पिला माने इलेक्ट्रॉन बचिला 4टा इलेक्ट्रॉन बचिला तो 8 माइनस 4 इक्वल टू पिला माने केते 4 ई 4 टा कोथरे कन्वर्ट हिजबो 2टा लोन पेयर रे कन्वर्ट हिजबो आ पिला माने XCF4 रो तमे देखि के एटी कैलकुलेट मध्ये करि पालो कि 2टा लोन पेयर होछ XCF4 तो आसीबो। सेकंड पॉइंट पिला माने कोन एटी 4टा बॉन्ड पेयर प्लस 2टा लोन पेयर आसु दैट मींस इट इज स्टेरिक नंबर 6 रो केस आउ स्टेरिक नंबर 6 रे पिला माने तमन को हाइब्रिडाइजेशन आसी जाय sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आसे बट यार शेप टा मन रखिबो स्क्वायर प्लानर शेप यार शेप टा होजी स्क्वायर प्लानर। ई सब पॉइंट गुडा को पिला माने कहि रखु छी एई पॉइंट गुडा पुनी आउतरे पिला माने एग्जाम रे रिपीट हेतबो क्वेश्चन एटी जेमति कि स्टेरिक नंबर 5 रे तमन को हाइब्रिडाइजेशन कोन आस्तन ता sp3d त माने XCF4 रे गुटे लोन 2टा लोन पेयर होजे। नेक्स्ट पिला माने एग्जांपल दी छी ICL4 नेगेटिव एमति क्वेश्चन रे पिला माने ना तमन को कहू छी बहुत गुडा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखितबो जोटि कि तमन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करि परबो कोन एटी मध्ये देखि पालो फर्स्ट केस रे कोन थिला हम पकरे
फर्स्ट केस रे थिला इट इज जेनॉन ई जेनॉन जगह रे इट बिलोंग ने आई नेगेटिव आसी गला आई नेगेटिव को जदी देखिबो यार आउटर मोस्ट सेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन आसीबो 4टा क्लोरीन अछि 4 * 1 हे गला त माने 4टा इलेक्ट्रॉन बचिला तो बिल हमने XCF4 सहित ये सिमिलर देखा होची तो कैलकुलेट करी के टाइम वेस्ट करबोनी सेंट्रल एटम रे 8टा इलेक्ट्रॉन थिला एटी भी सेंट्रल एटम रे गुटे नेगेटिव चार्ज सहित 8टा इलेक्ट्रॉन आसी गला चारिटा मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम अछि तो या पकरे भी दीटा लोन पेयर थियो पिला माने तो एटी दीटा कंपाउंड एंती अछि जारो सेंट्रल एटम रे दीटा लोन पेयर थियो तो पिला माने ए क्वेश्चन द करेक्ट आंसर आछो ऑप्शन नंबर ए जारो आंसर होछि 2 दीटा कंपाउंड एंती अछि जारो सेंट्रल एटम रे दीटा लोन पेयर थियो नेक्स्ट पिला माने मूव करिवा हमें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को मूव करिवा अगेन सेकंड क्वेश्चन पिला माने तुमन करो एसएसबी लेक्चरर एग्जाम 2023 रे जो हिदला से 2023 रो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिजे देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने द मॉलिक्यूल हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर एंड लीनियर से पिला हमने बिट के फास्ट करबा हमें रिएक्शन उड़ा को कौन पेना तुम्हें क्वेश्चन उड़ा को तुमने ऑलरेडी जान सकते हो किमती बाहर करबा तो फास्ट दीजिए हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ई पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट एडी से मेंशन करनी पिला हमने सेंट्रल एटम बोल के ई पॉइंट को ध्यान रखियो हैज अ लीनियर शेप फास्ट कोई जे पिला हमने शेप एडी ज्योमेट्री को देखि के कंफ्यूज होवनी तो ए लीनियर शेप बेसिस रे हमें ट्राई करबा क्वेश्चन को यदि लीनियर शेप मेंशन कर दीजिए पिला हमने लिनियर शेप कुकु केस रे पॉसिबल हबो देखियो कार्बन डाइऑक्साइड केस रे लिनियर शेप पॉसिबल हबो बट से कहि छै हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर एटी पिला माने जदी सराउंडिंग एटम को देखियो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रे ई सराउंडिंग एटम रे दीटा दीटा लोन पेयर अछि ऑक्सीजन अक्रॉस रे लिनियर जो लिनियर अछि तारो सेटअप नेक्स्ट पिला माने जोटा जानि छै ओकरा को अप्लाई करबो i3 माइनस बहुत इंपोर्टेंट कंपाउंड पिला माने i3 माइनस को जदी देखियो पिला माने i3 माइनस को दीटा पार्ट रे सेपरेट कर देबो i माइनस आ i2 सेंट्रल एटम हो आई नेगेटिव या पकरे केतरा इलेक्ट्रॉन छ बिलम 8टा इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस शेल रे इलेक्ट्रॉन गुटे नेगेटिव चार्ज माइनस जेंती कहले 2 * मोनोवेलेंट एटम 1 असि गला बंचला 6टा इलेक्ट्रॉन ई 6टा इलेक्ट्रॉन कोथरे कन्वर्ट हिबो 3टा लोन पेयर रे कन्वर्ट हिबो तो 2 डोप बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर दैट मींस स्टेरिक नंबर 5 रो केस हाइब्रिडाइजेशन असि जबो sp3d ता सहित पिल माने इंपोर्टेंट कोन कोछ पिल माने 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर असले तुमरो ज्योमेट्रीटा तो असिबो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बस स्टेप ता असि जबो कोन एटी पिल माने लीनियर शेप असि जबो एटी लीनियर शेप असि जबो पिल माने बहुत इंपोर्टेंट ता सहित यार स्ट्रक्चर को जदी देखिबा यार स्ट्रक्चर ता तुमन को एम्ति देखिबा को मिलबो i3 माइनस रो एम्ति दीटा आयोडीन थिबे आ या से तो नेगेटिव चार्ज थिबो एटी इंपोर्टेंट कोन पिला माने तुमको जे टोटल लोन पेयर पचारि सेंट्रल एटम मेंशन करिनि तुमे जानछो यार वैलेंस शेल रे आ टोटल 7टा इलेक्ट्रॉन थबो गोटे एटी इलेक्ट्रॉन तुमर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करछ आ छोटा इलेक्ट्रॉन थबो माने ई गुडा भी गोटे गोटे कोन ना लोन पेयर तो i3 माइनस रे जदि देखिबा पिला माने 3टा लोन पेयर सेंट्रल एटम अक्रॉस रे अछंती आ 3टा लोन पेयर आयोडीन अक्रॉस रे अछंती टोटल 9 लोन पेयर आसीबो जोडा के अलगा कंपाउंड केस रे आसीबो है ई क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर आज जो हमने ऑप्शन नंबर बी जोडा के होजे i3 माइनस आ टोटल 9 लोन पेयर आसीबो ई केस रे यांको केस रे कोम आसीबो पिल हमने सिमिलरली तुमन देखि भी पारियो मध्य यार स्ट्रक्चर ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके देखि पारियो नेक्स्ट पिल हमने क्वेश्चन नंबर 3 पाक को मूव करबा अगेन क्वेश्चन नंबर 3 डा तमनगर एसएसबी 2023 रो क्वेश्चन एबे डायरेक्टली ट्राई करि परबो पिल हमने ई क्वेश्चन डाको पचार जे मैच करिवार जे तुमनको शेप ज्योमेट्री पिल हमने केमिकल बॉन्डिंग रो सबटु इंपोर्टेंट पार्ट ला हाइब्रिडाइजेशन वीसीपीआर थ्योरी नेक्स्ट पिल हमने मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी एति की पार जदी तुमे कवर कर दोजो ताले एग्जाम को भी एग्जाम रो क्वेश्चन को अटेंड करि परबो ता सते गुटे इंपोर्टेंट पॉइंट ला पिल हमने फजान्स रूल आ डाइपोल मोमेंट ई पार्ट को जेंति हेले कवर करिक जाओ नेक्स्ट हमरा एटी जदी कंपाउंड ता को देखिबा फर्स्ट देखि हमको XCFO4 XCO4 रो तमने समति जदी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन बाहर करबो XCO4 रो स्ट्रक्चर ता पिलाने एम्ति आसीबो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आसीबो यार कोन आसीबो टेट्राहेड्रल तो पिलाने ई कंपाउंड ता रो कोन आसीबो टेट्राहेड्रल आसीबो 1 रो 2 पिलाने एग्जाम रे हमको क्वेश्चन जल्दी भी करिवार अछि टाइम वेस्ट करिवाने तो 1 रो 2 एई ऑप्शन रे अछि एई ऑप्शन रे अछि एटी नहीं ऑप्शन बी आउ डी को मु तो एलिमिनेट कर देली जोटा जणा आछि ताको अप्लाई करिवो एबे जस्ट देखि दिले BRF4 रो BRF4 माइनस रो तुमने बाहर कर परबो किमा SCCL4 र बाहर कर परबो जदी SCCL4 को देखिबो बिला माने ए कंपाउंड डा तुमन को सिमिलर लागिबो SF4 भोलिया एबे जोडा बाहर कर देले कोन पई ना ई एससी डा ग्रुप नंबर 16 रो वैलेंस शेल रे 6टा इलेक्ट्रॉन दिबो माइनस 4 * मोनोवेलेंट एटम क्लोरीन डा मोनोवेलेंट एटम गुटे त माने 4 * 1 4टा बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन होला 2टा इलेक्ट्रॉन बचि गला जोडा गुटे लोन पेयर रे कन्वर्ट हिजिबो तो 4 बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर स्टेरिक नंबर 5 रो केस आसी जबो स्टेरिक नंबर 5 रे कोन आसी जबो हाइब्रिडाइजेशन sp3d तो यारो ज्योमेट्री टा कोन आसीबो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यारो शेप टा आसीबो सीसो यारो सोट शेप टा आसीबो सीसो किंबा याको हम कहि पाइबा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलकि मध्य तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल पिल हमने गुटे ऑप्शन रे दिछि देखि पारबो सी सहित तो ए क्वेश्चन द करेक्ट आंसर आसीबो पिल हमने ऑप्शन नंबर सी तमे सेमती BRF4 रो जदी बाहर करबो पिल हमने अगेन सिंपल BRF4 एबे हमें बाहर कर देले जस्ट
एबे जस्ट हम बाहर करथले ICL4 नेगेटिव ICL4 नेगेटिव दा सिमिलर हो पिला माने तुमनकर BRCL BRF4 नेगेटिव सहित BRF4 नेगेटिव रो भी सेम टाइप रो स्ट्रक्चर आसे कोन माने सेंट्रल एटम दा भी तुमनकर ग्रुप नंबर 17 रो अछि आ तुमनकर सराउंडिंग एटम दा जदी देखिवो हैलोजन गुटे अछि तो BRF4 BRF4 माइनस रो भी मध्ये स्ट्रक्चर ता तमनकर कोन आसीबो स्क्वायर प्लैनर शेप आसी जीवो कोन पे स्क्वायर प्लैनर आसीला त माने कैलकुलेट कर परबो वैलेंस शेल रे 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 इनटू मोनोबाइंडेड एटम गोटे 4 टा इलेक्ट्रॉन बंची गला 4 टा इलेक्ट्रॉन बंची गला माने 2 टा लोन पेयर 4 टा बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्टेरिक नंबर 6 रो केस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तारो पिला माने शेप ता होची स्क्वायर प्लैनर शेप आ तारो ज्योमेट्री ता आइजो ऑक्टाहेड्रल एति की पॉइंट क्लियर हे गला तमनकर ए बेसिस रे कहि परबो की ऑप्शन नंबर सी टा ए क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर आशा करू 2023 रो जहा भी क्वेश्चन आसला तमनकर क्लियर हे जेतबो नेक्स्ट पिला माने बहुत सुंदर क्वेश्चन गोटे पचारची ए क्वेश्चन रे पचारची which one of the following pair of molecules ions have similar shape again tumman ko shape ko nei ki pila mane question pochar chi ebe pila mane tumman ko kuje directly emti question answer kari paribo shape pochar chi point ta ko ti dhyan debo pila mane shape pochar chi carbon monoxide jancho linear shape water ta jancho tetrahedral geometry kintu bent ba v shape it pila mane bf3 au tertiary butyl carbocation bf3 ko jodi dekhiya pila mane bf3 ra structure emti ase ट्रायंगुलर प्लानर शेप आसे आउ एटी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आसे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन माने गुटे कार्बन अछि तीनटा मिथाइल ग्रुप अछि एटी याको ही हमें को पिला माने टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जेतु कार्बोकैटायन आसीला पिला माने ए कार्बन अक्रॉस रे हाइब्रिडाइजेशन कोन आसीबो sp2 केबे भी कार्बन अक्रॉस रे हाइब्रिडाइजेशन बाहर करबार अछि सिग्मा बॉन्ड देखिबो तीनटा सिग्मा बॉन्ड माने स्टेरिक नंबर 3 रो केस हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो ये भी प्लानर आउ ये भी प्लानर दैट मींस ए दीटा हमरो सेम शेप आसीबे आ ई क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर बी एटा तिला पिला माने तुमनकर एसएसबी 2021 रो क्वेश्चन नेक्स्ट प्लान मूव करबा अगेन एसएसबी 2021 रो क्वेश्चन गोटे एटी तुमनको को पचारि डाइपोल मोमेंट विषय रे पचारि जिबल एमती क्वेश्चन को पिलान तुमने इजीली डायरेक्टली करि परबो किछटा इंपोर्टेंट पॉइंट कहबी ताको ध्यान रखिबो डाइपोल मोमेंट जते बेला भी कंपेयर करतबा आगो डाइपोल मोमेंट वेक्टर को देखिबो केमती देखिबो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स रे डाइपोल मोमेंट रो वेक्टर ताको ड्रा कर देबो तीनटा मॉलिक्यूल देछि पिलान एटी BF3 देछि NH3 देछि NF3 देछि पिलान बहुत सिंपल वे रे कहू पिलान BF3 को जति देखिबो पिलान BF3 टा होजे प्लानर स्ट्रक्चर टा आ ही BF3 टा तमन कर सराउंडिंग एटम सेम होची यार डाइपोल मोमेंट वेक्टर यार डाइपोल मोमेंट वेक्टर यार डाइपोल मोमेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कुडे इटी ड्रा करबो ई वेक्टर ई वेक्टर से तो कैंसिल हिजबो कैंसिल होला माने डाइपोल मोमेंट जीरो आसी जबो तो एटा होजे तति पई तमरो गुटे नॉन पोलर कंपाउंड ते कोन पई ना डाइपोल मोमेंट जीरो आसी तो यार डाइपोल मोमेंट तो मिनिमम होबो पिला माने देखो दीटा ऑप्शन एमती दीजी जोटी की यार डाइपोल मोमेंट मिनिमम होचे सबटु लेस होचे त माने एही ऑप्शन दीटा को तमन एटी एलिमिनेट करि परबो बी आउ डी को एलिमिनेट कर परियो नेक्स्ट प्लान माने बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कोई भी तमन को जदी NH3 आ NF3 रे कंपेयर कर परियो ताले बहुत सिंपल जिनसोटे कोची आ के ध्यान रखियो पिला माने पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट NH3 आ NF3 रे जदी हमें कंपेयर करबा पिला माने डाइपोल मोमेंट हमें देखि परबा नाइट्रोजन सहित तीनटा हाइड्रोजन अछंती आ यार पिरामिडल शेप आसे एटी गुटे लोन पेयर अछि नाइट्रोजन सहित तीनटा फ्लोरीन अछि आउ ता सहित एटी कोन अछि ना गुटे लोन पेयर अछि जिता भी एटम आउ लोन पेयर थिबो डाइपोल मोमेंट वेक्टर रो डायरेक्शन ने एंती देबो एटी भी डाइपोल मोमेंट वेक्टर रो डायरेक्शन ने एंती आसो हाइड्रोजन रो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर रो डायरेक्शन ने एंती आसला एटी डायरेक्शन ने एंती आसला एटी डायरेक्शन ने एंती आसला नाइट्रोजन रो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन तो ए डाइपोल मोमेंट वेक्टर टाइप पर आसीबो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटी तुमने देखी पारु तो पिला माने मध्य एटी कोन देखी पाउछो तुमने ना एटी जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर ता ए तीन जन को डायरेक्शन यार डायरेक्शन नेट डाइपोल मोमेंट रो वेक्टर ता इंक्रीज होजे माने रिजल्टेंट वेक्टर ता इंक्रीज होजे एटी पिला माने यार डायरेक्शन ऊपर होची बट ए तीन जन को डायरेक्शन दा डाउनवर्ड होची माने नेट रिजल्टेंट वेक्टर ता एटी कम आसी जबो कम आसी गला माने डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट NH3 रो अधिक आइ जबो NF3 अपेक्षा NH3 रो सबटु हाईएस्ट देन NF3 देन BF3 ई ऑप्शन दा देखिबा कोठी होछि पिला माने ईडी ऑप्शन देखि पारतो त माने NH3 सबटु हाईएस्ट देन NF3 देन BF3 ई क्वेश्चन दा पिला माने करेक्ट आंसर आछो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट पिला माने मुक करबा 2021 परे आउ गो ट्रिपल क्वेश्चन मध्ये आसला 2021 रे पचारछि यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पचारछि एटी तमन को पिला माने यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी to determine the bond order of O2 positive bahut simple question pila mane 11 12th re modhyo ei question gudaku tumane solve karo pila mane jete bela bi bond order re tuman ko question pochhalla mone simple trick ko huji taku mon rakhibo mone triangle re draw kar deli mu eti ei triangle upare kon likhili pila mane 14 au tapare next gote gote number decrease kari kari jauchi gote gote number decrease kari kari jauchi left side re kon korchi na decrease korchi 13 12 11 10 9 au gote modhyo kari pariba eti 8
राइट साइड रे इंक्रीज करी करी जाउची दैट मींस 15 16 17 18 19 20 बस गोटे मन रखिबो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जदी अछि जोटा कि n2 मॉलिक्यूल पई तुम्हें रेफरेंस नै कि मन रखि परबो या पई बॉन्ड ऑर्डर होउची केते ना 3 या पई बॉन्ड ऑर्डर होउची 3 तापर बॉन्ड ऑर्डर को कोन करिवार अछि 0.5 डिक्रीज कर दवार अछि जेमति कि 2.5 आसीबो एटी 2 आसीबो एटी 1.5 आसीबो एटी 1 आसीबो एटी 0.5 आसीबो आ एटी 0 आसीबो त माने को भी मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल अछि ता पई बॉन्ड ऑर्डर ता डायरेक्टली कैलकुलेट करि परबो जेमति कि मते क्वेश्चन दे दिला O2 पॉजिटिव O2 पॉजिटिव को जदि देखियो माने O2 रे 16 इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देछि दैट मींस 15 इलेक्ट्रॉन अछि आ 15 इलेक्ट्रॉन पई तुमे देखि परछो बॉन्ड ऑर्डर ता केते आसीबो 2.5 आसीबो यार बॉन्ड ऑर्डर ए बेसिस रे त माने बॉन्ड लेंथ कंपेयर करि परबो बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करि परबो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर करि परबो सब कुछ जिन सब कंपेयर कर पारबो जंति कि रिलेशन ना मते लिखि दोची बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ए पॉइंट को मन रखिबो जदि बॉन्ड ऑर्डर केबे सेम हे गला ताले तमन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को जेबा को पड़िबो जत्ते बेसी इलेक्ट्रॉन अछते एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रे सेते कम तारो बॉन्ड ऑर्डर ए बेसिस रे कंपेयर कर परिबो बेटा ए क्वेश्चन ता बहुत सिंपल थिला हमको पुचारी थिला O2 पॉजिटिव रो बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव रो बॉन्ड ऑर्डर केते आसीबो माने 2.5 आसीबो हम कैलकुलेट मते कर देले नेक्स्ट क्वेश्चन को मुब करिया बेला माने एकटा बहुत सुंदर क्वेश्चन है माने एक्चुअली तमन को कहबी जदि तमन को लेवल रो क्वेश्चन हले एम्प्टी टाइप रो क्वेश्चन अछि तमन को लेवल बहुत सुंदर क्वेश्चन ता पुचारी कौन पूछ रही है सी कोई जी इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर PF3CH3O2 ये कंपाउंड आज कौन अच्छी कंपाउंड टा ना फास्फोरस तीनीटा फ्लोरीन और CH3O2 ए कंपाउंड आछे सी ए कंपाउंड रिलेटेड किछटा पॉइंट लिखि छी सबटु फर्स्ट देखि देलो के पिला माने कोना फास्फोरस टा होची ग्रुप नंबर 15 रो एलिमेंट दैट मींस तारो वैलेंस सेल रे पांचटा इलेक्ट्रॉन दिबो माइनस तीनटा फ्लोरीन एटम अछंती तीनटा गोटे गोटे मोनोवैलेंट एटम ए कार्बन तीनटा हाइड्रोजन सहित बॉन्डेड अछि तो दीटा कार्बन कोन करथिबे दीटा इलेक्ट्रॉन निजरो शेयर करथिबे तो 2 × 1 कर देली तो एटी 5 − 5 केते हे जबो पिला माने 0 आ जबो दैट मींस 0 लोन पेयर अछि आउ ए केस रे तीनटा बॉन्ड पेयर ए केस रे दीटा बॉन्ड पेयर टोटल 5 बॉन्ड पेयर अछि पिला माने तो ए केस रे त माने कहि परबो एटा स्टेरिक नंबर 5 रो केस आउ हाइब्रिडाइजेशन को आसबो sp3d2 जेतला पिला माने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आसला आउ सराउंडिंग एटम चेंज हेले बा मॉलिक्यूल चेंज हेले सेत बेला गुटे रूल लागे जो रूल टा को तुम्हें को बेंड्स रूल बोली बेंड्स रूल तो माने पिला माने ए sp3d2 हाइब्रिड ए sp3d हाइब्रिडाइजेशन को एटा sp3d sp3d बिलोंग हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन को दीटा पार्ट रे डिवाइड कर दबो कोन कोन sp2 आउ pd ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन रे जोडा जदी सेंट्रल एटम कोइली बी ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन रे आगो तमरो कोन ना ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री क्रिएट करिवो आ pd हाइब्रिडाइजेशन तमन को एक्सियल गुटे लीनियर स्ट्रक्चर रे ड्रा करिवो एटी त माने देखि परजो pd हाइब्रिडाइजेशन ओ ए एक्सियल बॉन्ड गुडा बनिछि pd हाइब्रिडाइजेशन जो एटा बनिछि एटी परसेंटेज s कैरेक्टर कोन छि लेस अछि परसेंटेज एस कैरेक्टर लेस अछि एटी देखि पर जो ए जो मिडिल रे बनि छि ए सेंट्रल एटम अक्रॉस रे एटा ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री छि एटी sp2 हाइब्रिडाइजेशन अछि एटी परसेंटेज एस कैरेक्टर अधिक अछि परसेंटेज एस कैरेक्टर अधिक माने बॉन्ड एंगल अधिक तो जदि केबे भी बल्की ग्रुप आसी गला डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आसी गला किंबा लोन पेयर आसी गला ताको फर्स्ट हमें को पोजीशन को नेबा इक्विटोरियल पोजीशन को नेबा बल्की ग्रुप लोन पेयर किंबा डबल बॉन्ड ताको हमें को पोजीशन रे नबा इक्विटोरियल पोजीशन रे नबा बोली कि एटा के कहला बेंड्स रूल कहला सी बेसिस रे यार स्ट्रक्चर ता हमें प्रेडिक्ट कर देबा ता माने एटी जो तीनटा फ्लोरीन अछंती ए तीनटा फ्लोरीन को हमें कोड रखिबा आ CH3 दीटा को कोड रखिबा सेटा इंपोर्टेंट तो एटी स्ट्रक्चर ता कोन आसीबो जेंति देखि जो मिथाइल ग्रुप गुडा बल्की ग्रुप गुडा आगो दीटा मिथाइल को मु कोड रखि देली इक्विटोरियल पोजीशन रे रखि देली तापर गोटे फ्लोरीन नेक्स्ट दीटा फ्लोरीन को कोड रखि देली एक्सियल पोजीशन रे रखि देली एम्ते टाइप रो स्ट्रक्चर सेही बेसिस रे तमन को दिजे द मिथाइल ग्रुप्स आर एट इक्विटोरियल पोजीशन बिल्कुल ठीक अछि मिथाइल ग्रुप गुडा कोड आसीबो हमर इक्विटोरियल पोजीशन रे आसीबो आ तमन को करेक्ट स्टेटमेंट ही पचारि छि द मिथाइल ग्रुप्स आर एट एक्सियल पोजीशन इनकरेक्ट अछि वन मिथाइल इज एट इक्विटोरियल बिल्कुल इनकरेक्ट अछि फर्स्ट ऑप्शन दै ए क्वेश्चन हमर करेक्ट आंसर आछि ठीक है इंपोर्टेंट पिला माने आपको नोट करके रखियो नेक्स्ट पिला माने देछि अकॉर्डिंग टू वीएससी पीआर थ्योरी अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वीएससी पीआर थ्योरी SiCl3- Si टा Cl3- सिलिकॉन टा पिला माने देखिबो ग्रुप नंबर 14 रो एलिमेंट तारो वैलेंस सेल रे केतना 4 टा इलेक्ट्रॉन थिबो गुरे नेगेटिव चार्ज माने कोन कहिदिले गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देबो ता माने यार वैलेंस सेल रे केतना इलेक्ट्रॉन रहला 5 टा -3 टा क्लोरीन 3 टा मोनोवैलेंट एटम 3 टा इलेक्ट्रॉन नै गेले
बचला दिटा इलेक्ट्रोन यनिटा कौन कनवर्ट होगा थ्री बॉन्ड पेयर रे कनवर्ट होगा दिटा इलेक्ट्रोन वन लोन पेयर रे कनवर्ट होगा दैट मीन एटा स्टेरिक नंबर केतेरो केस आसला फोर आउ स्टेरिक नंबर फोर रो जदि केस आसला पले माने हाइब्रिडाइजेशन आसी जबो sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ थ्री बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर को शेप करे पले माने पिरामिडल शेप एमोनिया केस रे देखो एक्जेक्टली सही भाया तो ये पे तुमको ऑप्शन आज कौन ट्राइगोनल पिरामिडल जो अच्छे भी पार्बा कि पिरामिडल तुमको ये पचारे कौन ध्यान रखा बीएससी पीआर थ्योरी अकॉर्डिंग रे शेप पचारे शेप पे ट्राइगोनल पिरामिडल और पिरामिडल बोल कि नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिया पिला माने अगेन तुमनकर 2018 2016 ए सबर क्वेश्चन गुडा मध्ये ध्यान रखियो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा पचारछि अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल व्हिच वन हैज बोथ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड से पचारछि दीटा टाइप रो पाई बॉन्ड हिची जोटी गोटे पी पाई बॉन्ड अच्छी गोटे पी पाई डी पाई आग तुम मैंने पे मैंने पी पाई डी पाई पाक जीव कौन कौन पी पाई डी पाई पाई गोटे एलिमेंट एमती थी दरकार जहां पाकर वैकेंट डी ऑर्बिटल थी दरकार जैसे डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बेसिस जस्ट खाली पॉइंट मन रख लो तुमको एनसर मिल जाए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड रा एलिमेंट यांको पकरे डी ऑर्बिटल ही नहीं तो माने केबे भी डी पाई बॉन्ड बने परिबेने कार्बन ऑक्सीजन अगेन याको एलिमिनेट कर दलो ऑक्सीजन फ्लोरीन याको भी एलिमिनेट कर दलो गुटे ही ऑप्शन मनचला SO2 रे पी पाई बॉन्ड भी पॉसिबल पी पाई डी पाई बॉन्ड भी पॉसिबल टिके जदि हिंस देबी माने SO2 रो स्ट्रक्चर तुमको एमती देखिवा को मिलो बेंड शेप देखिवा को मिलबो विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन एटी पिला माने गोटे पाई बॉन्ड टा एमती थोई दीटा तो सिग्मा बॉन्ड गोटे पाई बॉन्ड एमती थिबो जोडा कि पी पाई बॉन्डिंग रे फॉर्मेशन हितबो आ गोटे पाई बॉन्ड टा एमती थिबो जोडा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग रे फॉर्मेशन हितबो जोडी कि तुमको पी ऑर्बिटल पी इलेक्ट्रॉन टा ऑक्सीजन थिबो आ सल्फर रो डी इलेक्ट्रॉन टा इन्वॉल्व हितबो तुमनकर बॉन्डिंग रे बहुत इंपोर्टेंट या कोडी नोट करके रखियो नेक्स्ट पिला माने मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन को अगेन तुमको सामने गोटे क्वेश्चन अच्छे बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली तुमने कैलकुलेट करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे बॉन्ड ऑर्डर मन रखी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी तुमको ट्रिक कही आगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर दियो सियानाइड कार्बन रो 6टा नाइट्रोजन रो 7टा ये पे 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अच्छे एनओ पॉजिटिव जब कैलकुलेट कर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अच्छी एनओ नेगेटिव जब कैलकुलेट कर 7+8+1 दैट मीन 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अच्छे आम जस्ट कही 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बॉन्ड ऑर्डर के 3 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बॉन्ड ऑर्डर के 2.5 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बॉन्ड ऑर्डर आसो 2 तो सब हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर कह रहा कहार एनओ पॉजिटिव रो तो एनओ पॉजिटिव रो स्टेबिलिटी सब अधिका देन तापर कहार बॉन्ड ऑर्डर अच्छे 13 इलेक्ट्रॉन माने सियानाइड रो देन पिला माने एनओ नेगेटिव एटा को ऑप्शन रे अच्छे देखिबो एनओ पॉजिटिव हाईएस्ट दीटा ऑप्शन को एलिमिनेट करले तापर सियानाइड तापर सियानाइड तापर एनओ नेगेटिव एनओ पॉजिटिव रो सबटु हाईएस्ट तापर सियानाइड तापर एनओ नेगेटिव ए क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर आज प्रोग्राम ऑप्शन नंबर बी आशा करछु ए पॉइंट ता समस्तंगर क्लियर हो जाइतो नेक्स्ट पिला माने मूव करबा नेक्स्ट तुमनको सामने रे अछि पिला माने लास्ट क्वेश्चन हमनकर जोडा कि SSB 2016 रो क्वेश्चन डा अगेन से पी पाई डी पाई बॉन्डिंग ऊपर अछि पचार छि द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड इन पर क्लोराइड आयन ClO4- जदि ClO4- रो स्ट्रक्चर देखियो पिला माने ClO4- त तुमनको एंती देखियो को मिलबो एटा होजे ClO4- ए क्लोरीन अक्रॉस रे पिला माने हाइब्रिडाइजेशन था sp3 एडी तुमने देखि पाउ छ पाई बॉन्ड गुडा फॉर्मेशन हिच आ बहुत सिंपल एंती क्वेश्चन को पिला माने ट्राई करिवो अप्रोच करिवो पई हले एग्जाम रे करि परिवो कोन दिछ हमको ऑप्शन गुडा देखो ऑक्सीजन रो डी पाई केबे पॉसिबल हबो कि पिला माने बिल्कुल पॉसिबल हबो नि ऑक्सीजन डी पाई ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड रो एलिमेंट रे 2p जाय दे 2d केबे पॉसिबल बनी तो ऑक्सीजन डी पाई बॉन्ड केबे फॉर्मेशन करि परिवो नै ऑक्सीजन साइड रु डी पाई टा को साइड रु पॉसिबल हबो क्लोरीन साइड रु दैट मींस ऑक्सीजन रो थिबो पी पाई आ क्लोरीन रो थिबो कोन डी पाई बहुत सिंपल क्वेश्चन आपले माने एग्जाम रे एमती ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड रे जीवो करि परिवो एडी ऑक्सीजन रो पी पाई होची ऑक्सीजन रो पी पाई होची क्लोरीन रो पी पाई होची क्लोरीन रो डी पाई होची ए क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर आछो आपले ऑप्शन नंबर सी आशा करछि केमिकल बॉन्डिंग रो जति की भी क्वेश्चन रहली तार सॉल्यूशन तमनकर क्लियर हेतबो जति पिला माने वीडियो टी बोल लागछि वीडियो टी को लाइक करो जो भी पिला माने चैनल रे नुआछो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आशा करछि वीडियो टी बहुत भी हेल्प करतबो तमनकर प्रिपरेशन पई वीडियो टी को स्टार्टिंग रु निके जे देखितो तमनको बहुत बहुत धन्यवाद।